नमस्कार मेरा नाम साहिल भादु लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर आज इस लेक्चर में अपन व्हील के बारे में डिस्कशन करेंगे लास्ट लेक्चर में अपन ने टायर के बारे में डिस्कशन किया था इस लेक्चर में अपन व्हील्स के बारे में डिस्कशन करेंगे देखिए जो बेसिकली जो व्हील है जैसे डायग्राम आपके सामने है ये मोस्ट स्टैंडर्ड जो व्हील्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टील के बने होते हैं ठीक है और जो सम व्हीकल्स are fitted with alloy wheels that are made of magnesium or aluminium. देखो आज की तारीख में basically हर vehicle के अंदर alloy wheels लगे हुए हैं क्यों क्योंकि alloy wheels basically lighter in weight होते हैं but क्या होता है alloy wheels क्या होते हैं expensive होते हैं ठीक है the rim holds the tire ये पता ही अपने को जो जो अपना tire होता है basically वो rim के अंदर क्या होता है set होता है well of the wheel allows the tire टू बी रिमूव एंड रीफिटेड जो वेल होता है वो क्या करता है अलाउ करता है कि इसको व्हील को ताकि उसमें टायर क्या कर सकें हटा सकें और उसको रीफिट कर सकें ठीक है ये देखिए नीचे इसका क्रॉस सेक्शन है बट देंटर दे सेक्शन इज़ वेल टू द दे रेम देखिए यहाँ पे दे बता रखा है द सेंटर सेक्शन इज़ वेल टू द रिम अभी देखिए जिसमें बता रखा है पायलट बोर फिट्स टू द हब यहाँ पे देखिए दो और ये बता रहा है इसमें सेंटर माउंटिंग सेक्शन देखिए जो इसमें दो एरो के, के थ्रू मैंने इसको मेंशन कर रखा है ये देखिए ये बेसिकली ऊपर देखिए सबसे पहले आपकी रिम ब्रथ फिर ये आपकी लेफ्ट में फ्लेंज हाइट राइट में है आपका रिम का डायमीटर है और नीचे है आपके बीड सीट्स देखिए जो मैंने आपको बताया बीड बेसिकली क्या होता है जो टायर होता है टायर के जो दो एंड होते हैं जो रिम के अंदर फिट होते हैं ठीक है थीके? तो ये वो जो पॉइंट है जो बीट सीट्स हैं यहाँ क्या होता है वो इंटरलॉक करते हैं किसके साथ जो आपके रिम होते हैं उसके साथ इंटरलॉक करते हैं जो भी आपके टायर होते हैं यहाँ वो सेट होते हैं अब देखिए ये टू पीस स्प्लिट साइड रिंग्स का एक वो डायग्राम मेंशन है इसमें देखिए रिम है रिम के ऊपर आपने क्या है स्प्लिट साइड रिंग है थ्री पीस में देखिए इसमें क्या होगा एक रिम होगा एक स्प्लिट और लॉक रिंग होगा और एक कंटिन्यूस साइड रिंग होगा इफ़ एनी कंपोनेंट्स आर डैमेज द रिम मस्ट बी रिप्लेस देखो रिम अगर किसी भी तरीके से कोई डैमेज हो जाता है तो उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा जैसे आप स्पोक्स वाले अगर अगर अपन वो व्हील देखें तो स्पोक्स वाले में क्या होता है वो अपन उस व्हील को क्या कहते हैं रिपेयर करवाते थे बट इस केस के अंदर यदि किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट हो जाता है तो अपने को रिम पूरी की पूरी रिप्लेस करनी पड़ती है अब देखिए वॉल्स टीम्स एंड कोर्स फंक्शन रिटेन एयर्स अलाउ इन्फ्लिनेशन एंड डिफ्लिनेशन देखिए रबर स्टेम ऑफ द वॉल इज़ पुल्ड इनटू द व्हीकल देखिए जैसे इसमें एग्जाम्पल बता रखा है राइट right साइड में आप डायग्राम देखिए जो र, जो रबर स्टेम है ऑफ द वॉल इज पुल्ड इनटू द व्हीकल व्हीकल के अंदर पुल किया हुआ होता है वॉल कोर कंटेन्स अ स्प्रिंग लोडेड एयर वॉल इंसर्ट राइट साइड में आप देखिए इसमें जैसे स्प्रिंग बता रखी है फिर देखिए द वॉल कोर ऑल्सो हैज़ अ सीलिंग वॉशर एंड अ सीट वॉशर देखिए ऊपर वाले डायग्राम में देखिए आप सीट वॉशर बता रखा है नीचे वाले में सीलिंग वॉशर बता रखा है फिर देखिए वॉल कैप कीप्स आउट डस्ट एंड हेल्प्स कीप एयर इन ये देखिए जो बेसिकली जो वॉल कैप है ये क्या करता है वो डस्ट को अंदर जाने से रोकता है और एयर को क्या करता है अंदर जाने के लिए हेल्प करता है टायर प्रेशर मस्ट ऑल्सो बी चेकड एंड एडजस्टेड वेन द टायर इज कोल्ड जब भी टायर ठंडा हो तभी अपन क्या है उसका उसको अपने को क्या करना चाहिए उसका प्रेशर को चेक करना चाहिए ये देखिए व्हील फिक्सिंग व्हील स्टड्स एंड नट्स अटैच द व्हील टू द हब। जो स्टड्स हैं और नट्स हैं वो क्या करते हैं व्हील को क्या करते हैं अटैच करते हैं किसके साथ हब के साथ व्हील स्ट प्रेस थ्रू द हब ये देखिए जो व्हील स्टड हैं वो क्या करते हैं प्रेस थ्रू द हब होते हैं और एक्सल फ्लेंज टेपर ऑन द व्हील नट्स सिक्योर एंड सेंटर्स से द व्हील ये उसकी सेंटरिंग के काम में आता है टेपर है देख लीजिए आप इसके अंदर व्हील स्टड्स यूजुअली हैव अ राइट हैंड थ्रेड ज़्यादातर उसमें राइट हैंड थ्रेड होती है इफ देर इज अ लेफ्ट हैंड थ्रेड उसके ऊपर मार्किंग होगी एल और मेट्रिक थ्रेड्स आर मार्क विद एम और मेट्रिक ठीक है नहीं तो ऑटोमेटिकली अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होंगे वो राइट हैंड थ्रेड्स होंगी अगर लेफ्ट हैंड होगी तो उसके ऊपर एल मेंशन होगा और मैट्रिक के लिए एम मेंशन होगा व्हील नट टॉर्क देखिए ये जो टॉर्क रेंज है ये सब ने देख रखी है करेक्ट टॉर्क ऑफ द व्हील फिक्सिंग इज़ वाइचुअल फॉर ऑल व्हीकल एंड नियरली ऑल रिक्वायर द यूज ऑफ टॉर्क रेंच टॉर्क रेंच के अपन यूज करते हैं देखिए टायर को एकदम अच्छी तरीके से फिक्स होना चाहिए ठीक है उसके लिए अपन बेसिकली हब के साथ जो टायर अपन जब उसके साथ उसको अटैच करते हैं जो जो भी अपने नट्स हैं उनको अपन क्या करते हैं एकदम फर्मली अच्छी तरीके से वो कसे होने चाहिए तो उसके लिए अब उसका अपन किसका यूज़ करते हैं टॉर्क रेंज का यूज़ करते हैं एक्सेसिव टॉर्क कैन लीड टू व्हील और हब डिस्टॉर्शन देखिए यदि आप क्या करेंगे ज़्यादा टॉर्क लगा देंगे तो क्या होगा इट मे लीड टू डिस्टॉर्शन ठीक है ऑफ द व्हील ठीक है कॉजिंग रनआउट एंड वाइब्रेशन या तो देखो वो जो जो बेसिकली जो उसके ऊपर जो थ्रेड्स होंगी वो क्या होंगी खत्म हो जाएंगी या वो टूट जाएगा या वो रन आउट हो जाएगा आप टेक्निकल वे में भाषा में बोलें तो क्या होगा इट इट में कॉज आउट ठीक है लो टॉर्क में अलाओ व्हील नट्स टू वर्क लूज देखिए व्हील अगर मूव करेगा तो क्या होगा वाइब्रेशंस होते हैं तो वाइब्रेशन अगर होंगे अगर यदि आपका व्हील का जो नट है वो क्या रह गया लूज रह गया तो बेसिकली क्या होगा इट मे लीड टू एक्सीडेंट्स एंड द व्हील टू कम ऑफ व्हील कम अगर व्हील बाहर आ जाएगा तो क्या होगा इट मे लीड टू एक्सीडेंट यह कोई ट्रेजिडी नट शुड ऑलवेज बी टाइटन इन अ डायगनल पैटर्न वह उनको हमेशा डायंगनल पैटर्न में उनको हमेशा टाइट करना चाहिए ये देखिए ये व्हील रिम का साइज इसमें बता रखा है इसमें रिम डाइमीटर ही रहा लेफ्ट साइड में एक नंबर दो नंबर पर इसमें रिम विर्थ तीन नंबर में आप देखिए इसका फ्लेंज फोर नंबर में आप देखिए इसका हब हब का बेसिकली जो जो व्हील अंदर जो फिक्स होता है वो किसके अंदर होता है हब के अंदर होता है उसके अंदर से क्या होता है बेसिकली आ, उसको उसकी जो फिक्सिंग होगी वो अपन नेट के साथ उसकी फिक्सिंग करते हैं व्हील को कार के साथ हब जोड़ता है फिर फोर्थ पार्ट है इसका पी सी डी का बोल्ट होल सिक्स ए इसका ऑफसेट ये क्या है व्हील रिम का साइज है अब देखिए रन फ्लैट टायर टेम्पररी सपोर्ट वेट ऑफ द व्हीकल इवन विद नो एयर प्रेशर दूसरा इंटरनल सपोर्ट थिकर एंड स्टिफर साइड वेज साइड वॉल्स और स्ट्रॉगर बीड्स कैन मेंटेन मोबिलिटी अप टू हंड्रेड किलोमीटर एट स्लो स्पीड ये क्या मोबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं जो फ्लैट टायर्स होते हैं अब ये देखिए एक्वा प्लानिंग बेसिकली ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्वा प्लानिंग अब देखिए एक्वा प्लानिंग क्या होती है कई बार क्या होता है अपनी गाड़ी चल रही होती है और बेसिकली वो कॉन्टेक्ट होती है अपनी रोड के साथ पर कई बार क्या होता है रोड और गाड़ी के बीच में क्या होता है पानी की एक लेयर आ जाती है ठीक है तो वो जो फिनोमिना होता है जिसमें रोड और जो पानी की सरफेस है उसके बीच में क्या आ जाता है अपना वाटर आ जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं एकोपलनिंग ठीक है तो अब वॉटर मतलब उसके अंदर एक क्लियर हो जाएगी ठीक है अब देखिए इसमें डायरेक्शन और स्पीड चेंजेस स्पीड चेंज रिलाइज ऑन फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस ग्रूस ऑफ द रबर टायर आर डिजाइंड टू डिस्पर्स वाटर फ्रॉम अंडर द टायर प्रोवाइडिंग हाई फ्रिक्शन इवन इन वेट कंडीशंस यह अपन ने पढ़ा था टायर में अपन ने पढ़ा था जब अपन रेडियल टायर पढ़े तो बेसिकली जो वेट सर्फिस होती है उसमें भी क्या होता है वो फर्मली ग्रिप होता है तो ये उसकी कुछ ना मतलब ये उसकी स्पेशलिटी होनी चाहिए टायर की एक्वाफीलिंग अकर्स द टायर एंड काउंटर्स मोर वाटर देन इट कैन डिसिपेट जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तब तो क्या होता है एक्वा प्लानिंग अकर करती है या फिर इसको हाइड्रो प्लानिंग भी बोलते हैं स्टेयरिंग अपेयर एज लाइट इफ वी आर ड्राइविंग विद व्हील्स इन एयर अपने को ऐसा लगता है कि गाड़ी क्या है हवा में चल रही है अपनी स्टेयरिंग क्या हो जाती है एकदम लाइट हो जाती है वाटर प्रेशर इन फ्रंट ऑफ द व्हील मेक्स अ वेज ऑफ वाटर अंडर द लीडिंग एज ऑफ द टायर कॉजिंग इट टू लिफ्ट फ्रॉम द रोड बेसिकली क्या होता है नीचे जो वाटर प्रेशर की वजह से क्या होता है गाड़ी क्या ऊपर उठ जाती है ठीक है तो अपने को ऐसा लगता है कि जो जो स्टेयरिंग है वो अपना क्या हो गया फ्री हो गया अपने को ऐसा लगता है द लॉस ऑफ ट्रैक्शन कॉजेज द व्हीकल टू स्लिप जो अपना जो ट्रैक्शन का बेसिकली जो कॉन्टैक्ट लॉस होता है उससे क्या होता है अपने को लगता है व्हीकल क्या हो रहा है स्लिप हो रहा है एंड प्रिवेंट्स द व्हीकल फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू स्टेयरिंग ब्रेकिंग एंड असल जब कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा तो क्या होगा अपन ना तो ब्रेक सप्लाई कर पाएंगे और ना ही अपना क्या होगा स्टेयरिंग कंट्रोल में होगा और ना ही अपनी स्पीड कंट्रोल में होगी एज रिजल्ट द व्हीकल कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल तो उसी वजह से क्या होगा व्हीकल अपना आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है देखिए जब स्टेयरिंग सिस्टम ही टोटल फ्री हो गया अपन ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं ब्रेक्स भी अप्लाई नहीं हो रहे तो उस कंडीशन में क्या होगी जो गाड़ी होगी अपनी हो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी इसमें क्या होता है बेसिकली जो भी होता है ना इसमें रिस्क ये है कि जो आउट ऑफ कंट्रोलिंग व्हीकल का आउट ऑफ कंट्रोल होने का इसमें सबसे ज्यादा रिस्क रहता है रिस्क ऑफ एक् प्लानिंग इंक्रीजेस विद द डेप्थ ऑफ द स्टैंडिंग वाटर ये इंक्रीज़ होगा भाई स्टैंडिंग वाटर अगर ज़्यादा है उसकी डेप्थ ज़्यादा है मतलब स्टैंडिंग वाटर देखिए अगर रोड के ऊपर जो पानी की मात्रा है वो ज़्यादा है तो क्या होगा इसका रिस्क भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा इफ़ मल्टीपल टायर एक्वाप्लेन द व्हीकल लूजेस डायरेक्शनल कंट्रोल एंड स्लाइडिल इट आइदर कोलाइड्स विद एन ऑब्सटेकल और स्लोज डाउन सो दैट फ्रिक्शन इज रिगेंड देखो अगर आपका जैसे मान लीजिए अपन कार चला रहे रोड के ऊपर और मल्टीपल टायर अगर क्या हो रहे हैं एकोप्लेन हो रहे हैं मतलब इस कंडीशन के अंदर आ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं रोड के साथ सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा या तो कोलिजन होगा या फिर जैसे ही वो रोड के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो क्या करेंगे बेसिकली रोड के साथ जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन को मेंटेन करके गाड़ी को स्लो डाउन करने में हेल्प करेंगे अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या रोड के साथ कांटेक्ट नहीं बना पाएंगे और अगर रोड के साथ कांटेक्ट नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा आपका ब्रेकिंग सिस्टम वो क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा तो आपकी गाड़ी क्या होगी अनकंट्रोल्ड हो, हो जाएगी अब देखिए जो ब्रेकिंग सिस्टम उसमें क्या होता है टायर ट्रेड वियर टायर विल एक प्लेन मोर इजीली ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेड डेप्थ देखिए जो इसमें जो जो वॉन टायर होंगे वो क्या होंगे इजीली क्या तो होंगे खराब हो जाएंगे ठीक है ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेड डेप्थ इसमें जो ट्रेड की जो डेप्थ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके मैक्सिमम वाटर को क्या कर सके डिस्प्लेस कर सके टायर इन्फिलेशन प्रेशर अंडर इन्फिलेशन एनहांस एक्वा प्लानिंग टायर ट्रेड आस्पेक्ट रेशियो लॉन्गर एंड थिनर द कॉन्टैक्ट पैच लेसर लाइकली अ टायर ऑफ एक्वा प्लानिंग

इसका मेन जो बेसिकली अब इसका बचाव क्या हो सकता है क्योंकि बेसिकली अपना स्टेयरिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा अपने ब्रेक्स काम नहीं कर रहे तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे भाई बेसिकली आप क्या करो उसको छोड़ दो अपने हाल पे और वो अपने आप ही गाड़ी की स्पीड को क्या होने होने दो कम होने दो ये देखिए जब क्या होगा अब इसके कुछ वो जैसे अलग अलग स्पीड्स पर आपको एक प्लानिंग बता है जब स्पीड लो होगी तो वाटर फिल्म तो क्या होगा देखो फुल कॉन्टैक्ट विद द रोड होगा ठीक है यदि क्या होगी स्पीड आपकी क्या होगी मॉडरेट होगी तो आपका जो रोड कॉन्टैक्ट है वो क्या हो गया रिड्यूस हो गया और यदि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी हाई तो देखिए गाड़ी की स्पीड पहले से हाई है पहले से हाई है और प्लस वो उसके साथ क्या होगा जब हाई स्पीड होगी तो क्या होगा हाइड्रोप्लेनिंग में क्या होगा भाई जो बेसिकली जो सरफेस के साथ जो कॉन्टैक्ट होता है वो क्या हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा तो गाड़ी आपको ऐसे लगेगा गाड़ी हवा में चलेगी क्योंकि आपका स्टेयरिंग सिस्टम क्या होगा काम नहीं करेगा स्टेयरिंग सिस्टम काम नहीं करेगा प्लस आपके ब्रेक सप्लाई नहीं होंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस लेक्चर में अपन इतना कंटिन्यू करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसमें आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हाइड्रो प्लानिंग एक हाइड्रो प्लानिंग या फिर planning, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको आप अच्छे से इसको स्टडी करिएगा अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा और इसको दो नंबर और चार नंबर के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है प्लस आप इसमें व्हील का जो बेसिक है भाई बेसिकली व्हील के बारे में अगर कुछ पूछा जाए तो आप व्हील का बेसिक बता दीजिए उसकी इम्पोर्टेंस बता दीजिए फिर जो इसमें जो वॉल लगे होते हैं वॉल का क्या काम होता है क्या किस तरीके से वो, वो काम करते हैं वो बता दीजिए व्हील फिक्सिंग बता दीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पार्ट है वो है इसमें एक प्लानिंग तो इस लेक्चर में अपन इतना ही कंटिन्यू करेंगे थैंक यू